तो फाइनली गाइस, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, बीते गुरुवार यानी कि 7 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की फिल्म जवान। और जवान फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है, बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन कर रही है, क्योंकि ये बॉलीवुड का किंग खान है, बॉलीवुड का शाहरुख खान है। और आप जानते हैं कि बॉलीवुड के शाहरुख खान कितने बड़े सुपरस्टार है, उनकी इंडिया के साथ साथ विदेशों में भी कितनी फैन फॉलोइंग है, और यही वजह है कि जवान फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा रही है। जहां दोस्तों फिल्म को रिलीज हुई सिनेमाघरों में सातवां दिन चल रहा है, लेकिन फिल्म के कलेक्शन में अभी तक कोई भी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं, जवान फिल्म अपने पहले 6 दिनों में इंडिया के अंदर टोटल कितनी कमाई करने में कामयाब रही, और वहीं फिल्म का आज 7वें दिन का कितना कलेक्शन रहने वाला है, और फिल्म अपने पहले 7 दिनों में इंडिया के अंदर टोटल कितनी कमाई कर रही है, फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले, अगर आप बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर बात करें फिल्म जवान की, तो इस फिल्म की मैं जितनी तारीफें करूं कम है। इस फिल्म का फैंस को बहुत ज्यादा इंतजार था। शाहरुख खान की फिल्म पठान की अपार सफलता के बाद अगर फैंस किसी फिल्म का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे और दिल से इंतजार कर रहे थे, तो वो थी शाहरुख खान की फिल्म जवान। जहां दोस्तों शाहरुख खान बॉलीवुड के ऐसे सुपरस्टार है जिनके नाम वो बड़ा रिकॉर्ड हो चुका है जो शायद आज तक ना तो कभी किसी ने बनाया था, और आगे अगर कोई बनाएगा भी तो वो होगा सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड का किंग खान शाहरुख खान। क्योंकि बॉलीवुड की साल 2023 में शाहरुख खान ने जो वापसी कराई है वो जिंदगी भर याद रखी जाएगी, और जवान फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह से परफॉर्म कर रही है उसको तो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। क्योंकि जवान फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जो कारनामा कर रही है, ना तो कभी आज तक साउथ ने ऐसा किया था, और बॉलीवुड की तो पूरी तरह से धज्जा उड़ा दिए, और यहां पे बॉलीवुड की ये सबसे बड़ी फिल्म बनके उभरी है, क्योंकि ये फिल्म है बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलूं कि एटली के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी, जिसका बजट लगभग 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का था। फिल्म में हमें शाहरुख खान के साथ नयनतारा, दीपिका पादुकोण और विजय सेतुपति अहम किरदार में नजर आए। तो वहीं फिल्म को पूरे वर्ल्ड में लगभग 10,000 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। फिल्म ने अपने पहले दिन जहां 74 करोड़ 50 लाख रुपए पूरे इंडिया से नेट कमाए थे, तो वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 129 करोड़ 60 लाख रुपए का रहा था। दूसरे दिन की अगर मैं बात करूं तो फिल्म का था फ्राइडे, और फ्राइडे को फिल्म ने कमाए थे 53 करोड़ 23 लाख रुपए, और फिल्म अपने पहले 2 दिनों में 128 करोड़ 23 लाख रुपए इंडिया से नेट कर चुकी थी, तो वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 240 करोड़ रुपए हो चुका था। तीसरे दिन आता है सैटरडे, और फिल्म ने कमा लिए थे 77 करोड़ 83 लाख रुपए। उसके बाद आता है चौथे दिन संडे, फिल्म ने कमाए थे 81 करोड़ 10 लाख रुपए। जहां दोस्तों आपने पहले कभी भी ऐसे नंबर नहीं सुने होंगे कि अपने सिंगल डे में कोई भी फिल्म बॉलीवुड की 81 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई सिर्फ इंडिया से कर पाई हो। और बात करूंगा मैं पांचवें दिन की, तो पांचवें दिन फिल्म जवान ने कमाए थे 32 करोड़ 92 लाख रुपए। जहां दोस्तों 32 करोड़ 92 लाख रुपए, और पता है दिन कौन सा था? मंडे का, यानी कि वर्किंग डे था, कोई भी हॉलीडे नहीं था। और अपने पहले 5 दिनों में फिल्म जवान 319 करोड़ 18 लाख रुपए इंडिया से नेट कर चुकी थी, तो वही फिल्म का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन 384 करोड़ रुपए हो चुका था। ओवरसीज से फिल्म ने कमा लिए थे 192 करोड़ रुपए, और कुल मिला के पूरे वर्ल्ड में ये फिल्म अपने पहले 5 दिनों में 576 करोड़ रुपए कर चुकी थी। बात करूंगा मैं छठवें दिन की, तो छठवें दिन फिल्म का कलेक्शन रहा 26 करोड़ रुपए का। और अगर मैं बात करूं सातवें दिन यानी कि आज की, तो दोस्तों आज आप यकीन नहीं करेंगे, फिल्म के कलेक्शन में कोई भी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली है। फिल्म आज भी अपने सातवें दिन 22 करोड़ रुपए पूरे इंडिया से कमा रही है। जहां दोस्तों 22 करोड़ रुपए पूरे इंडिया से, और फिल्म का जो 7 दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 368 करोड़ रुपए इंडिया से नेट हो रहा है, तो वही फिल्म पूरे वर्ल्ड में 660 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर जाएगी, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। लेकिन दोस्तों आपने जवान फिल्म कौन से शहर, कौन से सिटी में देखी है, अपने शहर का नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा।